हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप एवरीवन इज़ फाइन। सो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ पालक पनीर। सो फ्रेंड्स, ग्रीन वेजिटेबल्स के फ़ायदे आपको तो पता ही हैं। पालक इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ फाइबर जो हमें अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करना चाहिए। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट विद द रेसिपी। तो पालक पनीर बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 500 ग्राम ऑफ फ्रेश पालक। पालक को हम अच्छे से वॉश करके उसको बॉईल कर लेंगे और उसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे। पालक जब अच्छे से बॉईल हो जाए तो उसे हमें ग्राइंड कर लेना है, उसका एक फाइन पेस्ट बनाना है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमें चाहिए 2 ग्रीन चिलीज, फाइनली चॉप्ड गार्लिक, 200 ग्राम ऑफ पनीर, फाइनली चॉप्ड जिंजर एंड 2 फाइनली चॉप्ड अनियंस। एंड नेक्स्ट हम एक पैन में 2 टीस्पून ऑफ वेजिटेबल ऑयल डालेंगे और उसको अच्छे से गर्म कर लेंगे। देन उसमें हम डालेंगे जीरा एंड राई। सो जीरा और मस्टर्ड सीड्स और राई जब कुक हो जाएं तो उस पर हम डालेंगे फाइनली चॉप्ड गार्लिक, उसको हम अच्छे से पका लेंगे। एंड देन हम उसमें डालेंगे फाइनली चॉप्ड जिंजर। सो फ्रेंड्स, जिंजर और गार्लिक जब अच्छे से पक जाएं तो उसमें हम डालेंगे अनियंस। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जब हमारे अनियंस अच्छे से कुक हो जाएंगे तो उसमें हम डालेंगे पालक का फाइन पेस्ट। पालक को अच्छे से थोड़ी देर कुक कर लेंगे, देन उसमें हम डालेंगे क्रश्ड मेथी और ग्रीन चिलीज। एंड नेक्स्ट फ्रेंड्स, वी विल ऐड 1 टीस्पून ऑफ रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून ऑफ गरम मसाला एंड 1 टीस्पून ऑफ कोरिएंडर पाउडर। You can also add 1 teaspoon of butter to palak paneer, that will enhance the taste of it. So friends, next हम डालेंगे इसमें 200 ग्राम ऑफ पनीर। सो फ्रेंड्स, हमारा पालक पनीर बनके रेडी है। सो आप सबको ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।